तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार एक नई वीडियो में। तो अभी मैं हूँ हरिद्वार में और आज मैं आपको लेकर चलूँगा एक ऐसी जगह पर जहाँ जानकारी के अभाव में बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं और ये जगह स्थित है अपने हरिद्वार में। अगर आप भी हरिद्वार में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह पूरी वीडियो आपके लिए है। आप यहां पर ईश्वर की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का संगम देखना चाहते हैं तो हरिद्वार की प्राचीन नगरी कनखल से सटे जगजीतपुर में महायोगी पायलट बाबा का आश्रम बना हुआ है, जहां पर हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ देशभक्तों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। हरिद्वार में यह आश्रम काफ़ी अनोखा है। वैसे तो पायलट बाबा के आश्रम देश के साथ साथ विदेशों में भी हैं। पायलट बाबा के आश्रम में जाकर काफ़ी शांति और सुकून का एहसास होता है। दोस्तों, पायलट बाबा के नाम पर ही एक पायलट बाबा इंस्टीट्यूट भी बना हुआ है। तो दोस्तों, आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस आश्रम का नाम पायलट बाबा कैसे पड़ा। इस आश्रम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अंदर की ओर। मंदिर के बाहरी परिसर में बैठे हैं नंदी महाराज। इधर आप देख सकते हैं विशाल शिवलिंग और अब आप दर्शन कर रहे हैं सुंदर शिवलिंग के, जो कि चांदी से बना हुआ है। यहाँ भगवान शिव के द्वादश शिवलिंगों को बड़े ही सुंदर रूप में प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं बड़ी ही आकर्षक मूर्तियां लग रही हैं। इस आश्रम में अनेक मंदिरों के माध्यम से हिंदू धर्म के देवी देवताओं के विग्रह प्रदर्शित किए गए हैं। सामने आप देख सकते हैं श्री राम दरबार। यह आश्रम काफी बड़े परिसर में बना हुआ है और यहाँ हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ साथ भारत के महान सपूतों की मनमोहक मूर्तियां लगी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं भारत माता की मूर्ति शेरों के साथ। यहाँ इतनी सारी मूर्तियाँ मूर्तिकार ने बनाई हैं जिनका वर्णन करना भी संभव नहीं है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई देवताओं और दानवों के बीच अमृत मंथन का सजीव चित्रण सचमुच कितना अद्भुत है। आपसे एक निवेदन है कि जब भी आप इस आश्रम को विजिट करने आए तो थोड़ा सा समय निकालकर जरूर आएं, क्योंकि इतने बड़े आश्रम को ठीक प्रकार से अवलोकन करने के लिए आपके पास निश्चित ही कुछ समय होना चाहिए। यहाँ पर एक परी के साथ साथ विभिन्न मुद्राओं में बैठी उनकी सखियों को दिखाया गया है। वाकई कितनी सजीव मूर्तियां हैं ये। यहाँ भगवान श्री कृष्ण धनुर्धर अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए हैं। भगवान भोलेनाथ की यह मूर्ति भी कितनी सुंदर है। इस आश्रम में भगवान शिव एवं अन्य देवताओं के अनेक स्वरूपों को बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। वास्तव में मैंने ऐसा आश्रम पहले कभी नहीं देखा। ये सभी प्रतिमाएं इतनी जीवंत दिखाई देती हैं जैसे अभी बोल पड़ेंगी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को
बेहद ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ भगवान शिव के सबसे प्रिय गण नंदी एवं भगवान भोलेनाथ की विशाल प्रतिमाएं बनी हुई हैं। आइए अब आनंद लेते हैं कुशल मूर्तिकारों द्वारा निर्मित इन सजीव मूर्तियों का। दोस्तों, यहाँ पर एक सुंदर बगीचा भी बना हुआ है, जहाँ विभिन्न मूर्तियों के साथ साथ पेड़ पौधों को भी लगाया गया है। इसी बगीचे के पास एक चिड़ियाघर भी बना हुआ है, जिसमें अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों को संरक्षित किया गया है। आपने हरिद्वार के कनखल में स्थित इस महायोगी पायलट बाबा आश्रम को नहीं देखा तो निश्चित ही आप कुछ मिस कर रहे हैं। सनातन धर्म के धार्मिक कथाओं के विभिन्न प्रसंगों को यहाँ बड़े ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। इस आश्रम को विजिट करने का मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। आपको ये आश्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।